सीतापुर के नैमिष नारायण की अगर बात की जाए तो यहाँ की एक अनोखी अपने आप में छवि मानी जाती है। हम आज मौजूद हैं नैमिष नारायण के स्थित पाला आश्रम में। यहाँ पर खबर यूपी के सीतापुर से है, जहाँ पर रामलीला और दुर्गा पूजा की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। उधर पुलिस प्रशासन भी धार्मिक जगह पर होने वाली रामलीला दुर्गा पूजा के स्थलों का जायजा ले रही है। नैमिष क्षेत्र के पहला आश्रम निवासी महंत नारायण दास ने मिट्टी के हनुमान, अंगद और रावण की प्रतिमा बनवाना शुरू कर दी है। दरअसल गोंदला मऊ क्षेत्र के पहला आश्रम में दशकों से चली आ रही रामलीला की तैयारी शुरू हो गई है। नैमिष के 84 कोसी परिक्रमा अध्यक्ष ने यह तैयारियां शुरू की है। यह रामलीला गोंदला मऊ क्षेत्र के पहला आश्रम में आयोजित होती है। महंत ने पत्रकारों को बातचीत के दौरान बताया, यह आयोजक करीब 200 साल पहले से होता चला आ रहा है। उन्होंने बताया, इस परंपरा की शुरुआत परम गुरु सीताराम महाराज ने की थी, तब से रामलीला मेले का आयोजन चल रहा है। यहाँ मिट्टी के हनुमान, अंगद तथा रावण की प्रतिमा बनाई जा रही है। सैकड़ों गांव के लोग इस रामलीला में पहुंचते हैं। मौजूद समय में 16वीं पीढ़ी इस रामलीला की देखरेख कर रही है। विगत वर्षों की भांति परेवा तिथि से एकादशी तक यानी 10 दिनों के लिए रामलीला का मंचन किया जाता है। हमारे संवाददाता सुनील आनंद ने परिक्रमा अध्यक्ष से खास बातचीत की है। सीतापुर से सुनील आनंद की रिपोर्ट। यहाँ पर महंत जी ने यानी 84 कोसी परिक्रमा अध्यक्ष जी ने मीडिया का सम्मान किया है और स्थानीय वरिष्ठ लोगों का भी सम्मान किया है। आखिर यहाँ पर जो एक आयोजन होता है, रामलीला विजयदशमी आ रही है, उसको लेकर के क्या तैयारियाँ चल रही हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन से अनुमति भी ली जाती है इसको लेकर के, और ये पौराणिक मेला कहा जाता है, क्या किस प्रकार से तैयारी चल रही महाराज जी, और कब से ये परम्परा चल रही है रामलीला की? ये तो परंपरा बहुत दिनों से चल रही है। जैसे लोग ही आता गया, चला गया, वही गुरु जी हमारे किया, वही हम भी कर रहे हैं। 3 तारीख से रामलीला की शुरुआत हो गई और ये 13 तारीख तक चलेगी। ये परंपरा जो है, ये कौन सी पीढ़ी चल रही, कौन सी गद्दी चल रही है, अब तक कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, 15-16वें महंत हैं हम, पीछे और होते गए, चले आते गए, जाते गए, और अब हमें मौका मिला है तो हम उस परम्परा। तो ये महंत 84 कोसी परिक्रमा अध्यक्ष नारायण दास हैं। पूर्ण तरीके से इनका साफ तौर पे कहना है कि 16 गद्दी चल रही है, तब से यह परिक्रमा चल रही है। इनका साफ तौर पे यह भी कहना है कि ये परंपरा जो मेले की चल रही है, 200 साल पुरानी बताई जा रही है। कैमरा पर्सन अनुज मोर के साथ सुनील आनंद, सीतापुर।